हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो फिर से जो है हमारे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज जो हम आए हैं वो फिर से एक नए इंटरेस्टिंग जगह पे ले गए हैं। आपको बता दूं हम आए हैं ये देखिए कुतुब मीनार। तो गाइस हम आपको कुतुब मीनार जो है ना वो जैसे एक नॉर्मल ब्लॉग होता है उसके लिए नहीं लेके आए। हम आपको कुतुब मीनार का एक बड़ा ही रहस्य और सच्चाई बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार को किसने बनाया था और कब बनाया था? आप जानते हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था? आप गलत हैं। तो गाइस जो है हम आए हैं कुतुब मीनार और हम आपको मिलाते हैं। ये देखिए ये हैं अश्विनी, इसे मिले होंगे प्रगति मैदान वाला ट्रेड फेयर मेले में। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं, आपको बताते हैं ये कुतुब मीनार जो है ना उसके कुछ इतिहास के बारे में। हमें बचपन में और आपको भी पढ़ाया गया होगा, स्कूल में पढ़े होंगे कि जो है कुतुब मीनार को, यानी कि ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप ये कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार को जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनाया था ऐसा पढ़ाया जाता है हमें। और 1192 ईस्वी में जो है उन्होंने जो है इस मीनार को बनाना शुरू करवाए थे और 1220 ईस्वी में जो है इस मीनार का निर्माण हुआ था। और ये मीनार जो है वो बनाना शुरू किया था, जैसे इस मीनार को आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये मीनार का जो एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार, पांच फ्लोर दिख रहा है आपको। तो इस मीनार का जो दो फ्लोर है ये दो फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उसके बाद जो तीन फ्लोर है वो उसके सक्सेसर जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ऐसा हमें जो पढ़ाया जाता है। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी जो था उसका एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी वही मोहम्मद गोरी है जो दिल्ली मैं आया था, मोहम्मद गोरी आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान को हराकर और यहाँ जो है ना दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था, जिसका जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बनाया था यहाँ का राजा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना ऐसा निर्माण किया था, ऐसे हमें पढ़ाया जाता है। देखिए हम आपको बता दें कि ये कुतुब मीनार जो है ना आखिरकार विवाद में भी है, अपने नाम को लेकर और अपने इतिहास को लेकर। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था बल्कि यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर था। और जो हमारे पीछे जो आप जितना भी ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन स्ट्रक्चर को लेकर जो है ना काफ़ी विवाद जो है होती है। तो विवाद में ये क्यों है और विवाद क्यों होता रहता है उसके ऊपर भी जो है आपसे हम बातें करते हैं। ये गाइस ये जो कुतुब मीनार आपको दिख रहा है ना, ये कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकेंड फ्लोर, ये दो फ्लोर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उसके बाद का फ्लोर का निर्माण जो है ना वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो विवाद में ये है कि इतने बड़े कुतुब मीनार का निर्माण जब कराया गया होगा, अब इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कराते समय उसके नींव का जो है ना काफ़ी ख्याल और ध्यान रखा गया होगा, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कराते टाइम उसका नींव भी जो है उतना ही स्ट्रांग बनवाया गया होगा। क्या ऐसा संभव है कि जब कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने बनवाने का आदेश दिया होगा तो यह आदेश जो है ना बनवाते टाइम ऐसे ध्यान रखा गया होगा कि इसका निर्माण जो है इतना ऊंचा होगा और इसका बेस जो है ना पहले से इतना मजबूत बनाया जाए कि इसके ऊपर में ना काफ़ी जोर आ जाए? ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये इसलिए विवाद में है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है और ये उसके ऊपर में जो है ना ये गुंबद की तरह जो है वो बना हुआ है। इस तरह का गुंबद जो है ना आपको मॉस्क में या मस्जिदों में जो है ना इस तरह से जो है मिलता है। तो ये गुंबद बनाने का जो है इस तरह से रहा होगा प्रयास कि जो है ना इसको इस्लामिक स्ट्रक्चर घोषित किया जाए, लेकिन जो है यही विवाद है इसका। तो इसके अलावा भी जो है वो कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे जो है वो डिफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बातों से आप सहमत होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये सच्चाई ये है इसका कि जो जिसे आप जो है ना कुतुब मीनार कहते हैं, ये जो हमारे पीछे आप दिख रहे हैं
ये बड़ा सा जो है वो मीनार की तरह जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, असल में ये कुतुब मीनार नहीं जो है ये एक खगोल जो है स्तंभ था। ये खगोल स्तंभ हम इसको क्यों कहते हैं, तो ऐसा जो है जब यहाँ सम्राट विक्रमादित्य के जो है राज हुआ करते थे तो उनके राज दरबार में एक महान खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वराहमिहिर, और वराहमिहिर के ही कहने पे जो है यहाँ एक स्तंभ का निर्माण कराया गया, यानी एक ये शोधशाला था जहाँ रिसर्च हुआ करता था। और यहाँ खगोल शास्त्री ने एस्ट्रोनोमर जो है ना वो बड़े बड़े एस्ट्रोनोमर यहाँ आके जो है वो यहाँ रहते थे और जो है यहाँ पे रिसर्च करते थे। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, इसका इस्तेमाल जो है ना ये देख रहे हैं रात के समय में जो है वो होता था आकाशीय जो पिंड होते हैं, आकाशीय जो जैसे कि तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनकी जो मोशंस होती है यानी उनकी जो स्थिति होती है, चाल होती है, उसके ऊपर में जो है ना ये शोध करने के लिए जो है इसका निर्माण कराया गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए कुछ साक्ष्य हैं, जैसे कि आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, मेरे पीछे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको, ये जो घर दिख रहा है वो इस तरह से पीछे ये देखिए टूटा हुआ जगह ये सब मिल रहा है ना, ये सभी जो है ना यहाँ जो है कुल मिला के ऐसे माना जाता है 27 मंदिरें हुआ करते थे। और मंदिरों में जो है प्राचीन के समय में सिर्फ पूजा नहीं होती थी बल्कि वहाँ जो है एजुकेशन, रिसर्च, बहुत सारे काम हुआ करते थे। इस मंदिर को जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उसने क्या किया ना, सारे को जितना भी ये था सबको तोड़ के और उसको जो है ना इस्लामीकरण करने का पूर्णतः प्रयास किया गया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना ये देखिए गुंबद, आपको नीचे जो है आपको ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर एक अलग दिख रहा होगा और इसके ऊपर में अलग से गुंबद का लग रहा है कि जैसे कि निर्माण करा दिया गया है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिना साक्ष्य का तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कंस्ट्रक्शन करवाया होता तो फिर जो है इस्लाम के तौर तरीके पे होता। लेकिन यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो है ना एक तरह से प्रॉपर जो है ऐसे जैसे नटराज होते हैं ना डांसिंग फॉर्म में, वो एक मूर्तियाँ यहाँ थी। और बहुत सारे ऐसे जो है ना यहाँ ये देखिए एक जो है इस तरह से यहाँ दिख रहा है आपको, अंधेरा हो गया इस तरफ से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ भी मूर्ति जो है मूर्तियों का निशान है, इस तरफ से भी जो है वो मूर्तियों का निशान है। हर पिलर पे जो है ना आपको मूर्तियाँ, घंटियाँ ये सब मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आपको इस पिलर पे भी जो है ना घंटी बना हुआ है, हर पिलर पे इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर ही। यहाँ देखिए आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बीना लेके जो है वो बैठे हैं कोई, यहाँ जो है ना इस तरह से यानी कि सभी मूर्तियों को खंडित जो है पूरा तरह से करने का प्रयास किया गया है और तोड़ दिया गया यहाँ एक, अब कहा ही किया जाए। अगर ये इस्लामिक स्ट्रक्चर होता तो मूर्तियाँ तो जो है वो नहीं बनाता, क्योंकि इस्लामों में ऐसा मान्यता है कि जो है वो मूर्तियाँ जो होती है वो पूजनीय नहीं होती और उसको तो स्ट्रक्चर में कतई जो है वो शामिल नहीं किया जाता। और ये खंभों पे घंटियाँ बनाया गया, इस्लामों में आपको बता दूँ कि घंटी जो है वो शैतान की आवाज़ जो है कहा गया घंटियों को, तो ये तो कतई जो है ना वो नहीं बनवाता, तो ये बना हुआ है। तो इस इन्हीं से पता चलता है कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर था। तो गाइस हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है आयरन स्तंभ यानी लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है। और ये आयरन पिलर जो है ना वो जब से इसका निर्माण कराया गया है तब से लेकर अब तक जो है इसमें जंग नहीं लगा, ये ऐसे के ऐसे ही है, बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग है। और इसको एक बार हुआ था जो है नादिर शाह नाम के जो मुस्लिम शासक था उसने इसको तोड़ने का जो है इसको तोड़ने का जो है प्रयास किया गया था नादिर शाह के द्वारा एक बार, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया था, उसने तोप लगाया था इसके ऊपर लेकिन तोड़ नहीं पाया था इसको। तो गाइस आप बताओ हम कहाँ हैं अभी, हम अभी भी कुतुब मीनार के प्रांगण में ही हैं। और ये देखो हमारे पीछे हम किस में हैं, ये कितना क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये सब पिलर जो दिख रहा है ना आपको, हमने जो दिखाया आपको ये जो 27 मंदिर था उसी मंदिर के जो है वो हम कॉम्प्लेक्स में हैं। इन्हीं मंदिरों को जो है तोड़ कर और कुतुब मीनार का जो है नाम दिया गया ऐसा माना जाता है। लेकिन जो है ये कुतुब मीनार नहीं बल्कि जो है ये खगोल स्तंभ था और खगोल स्तंभ ही रहेगा, जिसको विष्णु स्तंभ भी हम कह सकते हैं। तो गाइस जो है ये कुतुब मीनार यानी कि जो खगोल स्तंभ है ये आपको पड़ेगा दिल्ली के महरौली वाले एरिया में आता है। और यहाँ देखिए हमारे ऊपर जो है ना ये एरोप्लेन उड़ रहा है,
यहाँ मैंने देखा, गौर किया, हर एक 5 मिनट 6 मिनट पे जो है ना एक प्लेन उड़ता ही उड़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग एक कहानी भी है कि जो है ये इसका नाम महरौली ही क्यों पड़ा। एक्चुअली में बारह मिहिर जो थे वो उनकी जितना भी टोली था जो खगोल में शोध करते थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो इन सब एरिया में जो है यहीं जो पास वाले रेजिडेंशियल एरिया है उन एरियाओं में जो है वो रहते थे। तो पहले जितने पॉपुलेशन नहीं थी तो एक टोली की तरह जो है रहते थे, इसीलिए उसको मिहिर टोली कहा जाता था। क्योंकि हर चीज़ों का नाम जो है वो थोड़ा थोड़ा विकृत होता जाता है और कुछ से कुछ बन जाता है। तो मिहिर टोली से जो है ना धीरे धीरे जो है ना बदलाव होके जो है ना मिहरौली हुआ और मिहरौली से आज महरौली हो गया। ये तो ये महरौली का भी जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हमने बता दिया। तो गाइस आपको जो है ये कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, एक नए जगह पे। और हम आए थे कुतुब मीनार यानी कि खगोल स्तंभ, जिसको विष्णु स्तंभ भी जो है हम कहते हैं। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ, नए जगह पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, जय हिंद।